लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल भारतीय जनता पार्टी को हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हारने वाले हैं तो सामने गुंडों को कर रहे हैं, गुंडे सामने आ रहे हैं और जय श्री राम के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भाषा मैं बोल भी नहीं सकता हूं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वीडियो बनारस का है। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे का नामांकन करा के वापस आ रहे थे और बाहर गुंडे मिल गए, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए गुंडे, और गुंडों ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जय श्री राम का नारा लगाया, हूटिंग करनी शुरू की। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है कि जब कुछ नहीं बन पड़ रहा तो यही करो, विरोधी करो। जरा आप वीडियो देख लीजिए, फिर आपको कहानी बताते हैं। वीडियो देखिए। एक मिनट के इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गुंडे ही सामने देखने को मिल रही है। इनके भेजे हुए गुंडों की अभद्र भाषा भी आपको देखने को मिल रही थी। कुछ शब्द उस वीडियो में ऐसे थे जो दिखाने और सुनाने के लायक के नहीं थे, इसलिए हमने आपको नहीं सुनाया, लेकिन आप समझिए कि वो शब्द क्या हो सकते हैं। वो शब्द भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता को दर्शाते हैं। राम के नाम के साथ ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये राम के अनुयायी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त है। अंधभक्त, इनको अंधभक्ति का गुरूर चढ़ गया है। राम के साथ जिन नारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से ये गाली गलौज कर रहे थे, इनसे इनकी मानसिकता प्रदर्शित होती है। ओम प्रकाश राजभर का कुछ नहीं जानने वाला। ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से चुनौती इन लोगों को दे रहे हैं, उससे इनकी हवा टाइट हो गई है। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सर पकड़कर बैठ गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करे कैसे करे। चुनाव को तो जीतना है, चुनाव इनके हाथ से निकलता चला जा रहा है, इसलिए गुंडों की फौज तैयार की गई है, इसलिए गुंडे भेजे गए हैं कि जाओ जहां जहां नामांकन हो, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हो, वहां पर नारेबाजी करनी शुरू कर दो, वहां जय श्री राम के साथ गालियां देना शुरू कर दो, जय श्री राम का नारा लगाओ, गालियां भी दो। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है। अगर ये राम के असली अनुयायी हैं तो ये बताएं कि कभी राम ने क्या गाली देने का संदेश दिया था, कभी राम ने इस तरह की बातें की थी, जाके यहां पर नारे लगाओ, यहां नारेबाजी करो, यहां हूटिंग करो, किसी को घेर कर मारने की बात करो, क्या राम ने कभी ऐसा किया था? राम ने कभी किसी को घेर के नहीं मारा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं कहलाए। राम ने सीधे सीधे फाइट की, सीधे लड़ाई की थी। लेकिन ये राम के मानने वाले नहीं है, ये अंधभक्ति में चूर है। इनके आंख पर ऐसा चश्मा पहना दिया गया है कि जिससे इनको कुछ नहीं दिखाई देता है। ये सिर्फ जो पढ़ाया जाता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान दिया जाता है, जिस हिसाब से इनको आदेश दिया जाता है, उस तरह की गुंडाई करते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं कि भैया समाजवादी पार्टी वाले गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी वाले में गुंडे लोग ज्यादा हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा गुंडे कहां हैं, सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में हैं, और सबसे ज्यादा गुंडाई करने वाले कौन लोग हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जरूर सवाल उठा होगा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, कैसे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, कैसे मारने की बात कर रहे थे, कैसे कानून और संविधान को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे थे। आप समझिए इस बात को कि अभी तो इनकी सरकार बनी नहीं है साहब, पिछली बार सरकार थी, इस तरह गुंडाई कर रहे हैं, कहीं सरकार में आ जाएंगे तो न जाने क्या करेंगे भैया, मतलब किसी को नामांकन नहीं करने देंगे। ये जो विवाद हुआ है, दरअसल ओम प्रकाश राजभर शिवपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी व सुभाषपा के संयुक्त प्रत्याशी अरविंद राजभर, जिनके नामांकन कराने वो वहां पहुंचे थे, वाराणसी में अपने बेटे अरविंद का नामांकन कराने आए ओम प्रकाश राजभर के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में वकीलों ने हूटिंग की। ऐसा बताया जा रहा है कि वह वकील थे जिनके अंदर अंधभक्ति का चश्मा लगा हुआ था, जो चश्मा पहने हुए थे, परिसर में नारा लगाने लगे जय श्री राम, जय श्री राम का, और उसके साथ फिर आपने देखा किस तरह का हंगामा भी वहां काटा गया। ये बौखलाहट क्यों है,
आप जानते हैं कहावत और पुरानी है, कहावत शुरुआत हमने बताई, एक और आपको बताना चाहते हैं। गांव में कहावत है, जब लालटेन बुझनी होती है, जब दिया बुझने होता है, दिया बुझने वाला होता है, तो भकभकाता बहुत है, मतलब पहले भक 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 करता है। अगर आप पुराने जमाने में दिया को देखा हो या लालटेन को देखा हो तो भकभकाता, उसके बाद बंद हो जाता है। तो वही भकभकाहट ये दिखाई दे रही है, वही छटपटाहट है अंदर मन में कि क्या होने वाला है, कैसे तिकड़म बिड़ाया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव को अपने पाले में किया जाए, ये सब करने की कोशिश की जा रही है। साम दाम दंड भेद सब निकाले जा रहे हैं, सारे पैतरे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी दाल नहीं गल रही है, इसीलिए गुंडे भेजने शुरू कर दिए हैं। अब गुंडाई करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिया है, कैसे भी गुंडाई करके हम चुनाव जीत लेंगे, ये बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, लेकिन जनता समझदार हो गई है। जनता ये जानती है हमें किस ओर जाना है, हमें इन गुंडों को सबक सिखाना है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे राम नाम का सहारा लेकर गाली गलौज करते हैं, सड़कों पर किसी को मारने की बात कहते हैं, इसीलिए इनका विरोध हो रहा है साहब। इसीलिए आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैसी तस्वीरें निकल के सामने आई थी, आपने देखा था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हाल, उनके विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनाव लड़ रहे वहां क्या हुआ था, वहां कोई और वोट मांगने जा रहा था तो उसको भी लोग भगा रहे थे, भाग जाओ यहां से, निकल जाओ, केशव प्रसाद मौर्य इस बार जीतने वाले नहीं है, कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा से लड़ रहे हैं, लेकिन हाल बिल्कुल बेहाल है साहब। तो आप समझिए ये सिर्फ एक नेता का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का जनता विरोध कर रही है, और ये जो गुंडे बेचकर भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाना चाहे, देखो वहां भी उनका विरोध हुआ, वहां प्रकाश राजभर का विरोध हुआ, वहां प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का विरोध हुआ, लेकिन ये जनता नहीं है साहब, ये गांव में नहीं गए हुए थे वो, ये गुंडे भेजे गए थे वहां कि जाके सब कांड कराओ, माहौल बनाओ कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, बाकी लोगों का विरोध हो रहा है, लेकिन जनता सब समझती है साहब, जनता एक एक चीज नोट कर रही है। जनता में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, नौजवान भी हैं, वो सीधे सीधे सवाल पूछ रही है विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछ रही कि बताइए क्या किया पिछले 5 साल में आपने, अब आयो भैया वोट मांगने, वोट कैसे देते बताइए, हम आपने 5 साल में कुछ किया नहीं, 5 साल में गांव देखने आए नहीं, हम आ गए आपके यहां तो आप मिले नहीं, तो आप कैसे वोट दे देंगे, इसीलिए लोग भगा रहे हैं, इसीलिए लोग गांव से खदेड़ रहे हैं, गोबर तक मांग रहे हैं साहब, ईंट पत्थर तक चला रहे हैं, गांव से भगा दे रहे हैं सीधे सीधे तौर पर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री ने मुख्यमंत्री ने सबको ठगा है, ऐसा जनता कह रही है, हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जनता हम जाते हैं ऑफ कैमरे, बहुत सारी बातें करती है जनता, ऑफ जब ऑन करते हैं तो कहते नहीं भैया रहे दो क्या बुलवाओगे, बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, किसानों से बात करिए, किसान इस कदर परेशान है कि जब वो उनसे बात करो तो कहते हैं भैया क्या करें, रात दिन टार्च लेके जागते हैं, रात दिन जागते हैं और रात दिन खेत ताकते हैं, नहीं खेत नहीं ताकेंगे तो हमको अनाज खाने को नहीं मिलेगा। उनकी पीड़ा कई लोगों ने रो दिया हमारे सामने, उनकी पीड़ा देख के समझ में आता है किस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, इसीलिए जनता विरोध कर रही है, इसीलिए जनता विरोध के सुर उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से जनता को परेशान किया है, और ये गुंडे भेजते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडे भेजकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, गुंडाई करने काम करते हैं, तो इनकी गुंडाई चलने वाले नहीं है साहब। अब जनता मन बना लिया कि चाहे तुम जो भी कर लो, ये वही है जो कहावत शुरुआत में मैंने कही, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही वाला हाल, ये खिसियाए हुए हैं, ये बौखलाए हुए हैं, कैसे भी चुनाव को अपने पक्ष में कराने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी करके भैया चुनाव जीत जाए, चुनाव जीत जाए, माहौल बन जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन आप समझिए कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आपने देखा पूरी कोशिश में लगे हुए, जो 2 चरणों के इलेक्शन हुए, इस तरफ भी आप अगर निगाह डालेंगे तो कैसे इसमें धांधली गिरी की खबरें निकलकर सामने आई, कैसे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप भी लगे, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ये सब माहौल बनाने की कोशिश है साहब, कि माहौल बना के चुनाव को अपने पक्ष में कर लिया जाए, लेकिन माहौल बनने नहीं वाला है, चाहे जितनी भीड़ बुला लीजिए, जितने नेता, सारा पूरी कैबिनेट लगी हुई, आप समझिए केंद्रीय कैबिनेट यहां पर मौजूद है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन दाल कहीं गल नहीं रही है, इसीलिए गुंडों को भेजकर इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल कराया जा रहा है, और ये समझते इससे माहौल बन जाएगा, इससे माहौल नहीं बनने वाला। राम के अनुयायी कभी गाली नहीं बकते थे, राम के अनुयायी किसी को मारने की बात नहीं करते थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये लोग राम का नाम भी बदनाम कर रहे हैं।